सर नाम बताए आर के चिलाना नाम है जी मेरा, मैं समाज सेवी हूँ फरीदाबाद का। और मैं मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पहला भी सूरजकुंड का मेला मैंने देखा था 87 में, चौधरी के देवीलाल जी ने लगाया था। और आज 37 में भी मैं मेला देखने के लिए आया हूँ, और कल भी आया था जब राष्ट्रपति मैडम आई थी। और आज यहाँ पर आकर ये देखो, हरियाणा जेल डिपार्टमेंट जो है, पुलिस विभाग ने ये जो लगाया है, हर साल मैं यहाँ से कुछ सामान लेके जाता हूँ। मुझे मालूम है कि इस जेल में जो भी कैदी होते हैं ना, किन्हीं ने किन्हीं कारणवश, चाहे उन्होंने जानबूझ के गलती की या नहीं जानबूझ के गलती की, वो कुछ कैद काटते हैं, और कैद के दौरान उनसे कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है। तो वो जो उन्होंने काम की चीजें यहाँ ली हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ चीजें अपने घर के लिए लेके जाएं। हरियाणा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, आई अप्रिशिएट हरियाणा पुलिस कि वो आगे भी ऐसा काम करती रहे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे 37 वर्ष पूर्व जब ये सूर्यकुंड मेला चालू हुआ था, चंद दुकानों से स्टालों से शुरू हुआ था, बड़े बड़े मुड़े, बड़े बड़े कीकर के पेड़, एक दो बार झूले भी टूटे हैं, दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन इसने आज बहुत विशाल रूप दे रखा है जो विश्व भर में है। ये खाली दिल्ली या हिंदुस्तान के लिए नहीं है, यह आप देश विदेश के सभी कंट्रियों के सामान खरीद सकते हैं, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। अभी मैं खड़ा हूँ, जो कैदी होते हैं, कैदी बनते क्यों हैं, उस कैदी को सुधारा कैसे जा सकता है। कहते हैं संत महापुरुष, कहते हैं क्रोध को हटाओ, पंच तत्व होते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें सबसे दुष्ट है क्रोध, जिसको कहते हैं गुस्सा। गुस्सा एक चंडाल का रूप होता है, उस गुस्से के कारण आज देश में क्या विदेशों में भी जेलें भरी पड़ी हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने, जो वहां से अपराधी बन के बाहर से अंदर आता है, उसको योग्य नागरिक बना के भेजा जाए, उसको ऐसा हाथ का हुनर दिया जाए कि उसको कैदी के नाम से कहीं काम नहीं मिलेगा। आम पिक्चरों में कहा ये जेल काट चुका है इसको मत रखो, ये सजा काट चुका है इसको मत रखो, वो एक समाज के लिए कलंक का कीड़ा लोग कहते हैं। लेकिन जेल विभाग वालों ने उस कीड़े को, उस कैंसर को मिटाने के लिए उसको हाथों का हुनर दिया है, उसमें हर चीज सिखाई जाती है आपकी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की जो कोई सीखना चाहता है वो वहां सिखाते हैं, उसको पढ़ाई भी कराते हैं। ये नहीं कि हर एक को वहां डंडा मारते हैं, हर एक को थर्ड डिग्री दी जाती है, थर्ड डिग्री देने वाले अलग होते हैं, कुछ बिजनेस के अपराधी होते हैं, कुछ झूठे केस में फंसाए जाते हैं, कुछ लंबी लंबी डेटों पर पड़े पड़े सालों ही केस में पड़ जाते हैं। हमारा सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट परेशान है, वो चाहता है कि देश में जेलें घटें। सर बाबा जी एक बात, ये जो काम कर रहे हैं किस तरह का, आप प्रशासन को क्या क्या कहना चाहूँ? मैं कहता हूँ जो भी प्रशासन, जेल विभाग है कि खाली हरियाणा गवर्नमेंट नहीं, देश के सभी स्टेटों में उनको सुधार के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है, वो जो चीज सीखना चाहता है। हमारा एक, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने अपने प्रिंसिपल से कहा था कि हम बच्चों को पढ़ाई के बारे कुछ हमें हुनर भी सिखाया जाए, उसकी रुचि क्या है, फिर वहाँ से किसी को कारपेंटर, किसी को डिजाइन, किसी को आर्ट, किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, वो भी स्कूलों में शुरू कर रखा है। ये उस वक्त से चालू है 1955 से, आज 2024 हो गया है। मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन इसको जो सहयोग दे रहा है जनता को सुधारने के लिए, वो नंबर वन है। पुलिस विभाग जनता को सही रास्ते पे लाने के लिए, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, जहाँ पर डंडा ना चले, क्रोध ना चले, क्षण भर का क्रोध पूरा जीवन सत्यानाश कर देता है, और वही आत्महत्या करता है, वही समझता है। मेरी आपसे गुजारिश है मुझे देखने के लिए आप। सर पहले तो अपना नाम, डेनिशन और किस डिपार्टमेंट, कहाँ से हैं, सर
हाँ, मैं नवीन छिल्लर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट फरीदाबाद जेल से। यहाँ पर हमने 37वें सूरज कुंड मेले में प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है स्टॉल लगाया गया है। इसमें जो है बंदियों द्वारा, जेल में बंद कैदी बंदियों द्वारा जो भी फर्नीचर का, आयरन का, जूट का या आयुर्वेदिक सामान जो तैयार किया जाता है वो यहाँ पर हमने प्रदर्शन के लिए रखा है और सेल आउट कर रहे हैं। इसके होने वाले मुनाफे से जो भी आप 10% मार्जिन ले रहे हैं वो बंदियों के ही वेलफेयर के लिए यूज होगा, ताकि उनको आगे और भी जो है हम आगे जो क्लासेस प्रोवाइड करा सके, जिसको कारपेंटरी की जरूरत होगी कारपेंटरी की, जिसको म्यूजिक की जरूरत है म्यूजिक का, कंप्यूटर, पेंटिंग, जिस भी चीज की क्लास की जरूरत होगी हम उसका हुनर को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए वो क्लास प्रोवाइड कराएंगे। उसी में ये पैसा लगाएंगे। कितने समय से आप पहले? हाँ, हम पिछले 8 साल से जो है प्रिजन डिपार्टमेंट इसमें भागीदार हो रहा है और लगातार हर वर्ष जो है इसमें प्रोत्साहन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक की तरफ से हमें जो है अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। उसी के देखते हुए पहले जो एक दुकान में स्टॉल लगता था, आज आप देख रहे हैं कि स्टॉल काफी लंबा हो चुका है। ये सब पब्लिक का और पब्लिक और बंदियों का प्यार है जो इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। कितनी बंदी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे हरियाणा में 20 जेल है। 20 जेलों में जो है 2 जेल ऐसी हैं अभी जो छोटे लेवल पे है, जिन पे फैक्ट्री अभी नहीं है। बाकी 18 जेल पे फैक्ट्रीज है। उसमें 18 जेलों में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 26,000 जो है बंदी बंद है। उन सभी बंदियों का इसमें हाथ रहता है। जो सिखा सकता है वो सिखाता है और जो सीखना चाहता है वो सीखता है और वो ही इन सामान को तैयार करता है। इसमें जो है हरियाणा सरकार और प्रिजन डिपार्टमेंट के जो अपने DGP हैं अखिल जी, मोहम्मद अखिल जी, उनका बड़ा ही योगदान है जो इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं और समय समय पर ऐसे ऐसे प्लान लेके आते हैं। कारपेंटरी और क्या क्या वो करते हैं? देखिए, हर चीज की क्लास है। कंप्यूटर क्लास है, पेंटिंग क्लास है, म्यूजिक क्लास है, नाटक ड्रामा क्लासेस चलती हैं, कारपेंटरी है, जूट का काम है, आयुर्वेदिक, हम लोग एलोवेरा जेल, एलोवेरा करीम या आंवला जूस, आंवला कैंडी ये सब तैयार करते हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हम लोग जो है एक नया शुरुआत कर रहे हैं कि हम जेलों में जो है बंदियों की टीमें बनाएं और उनका जो है दूसरे स्टेट से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उनके जो है मैचिंग कराएं। 8 साल से आप यहाँ पर पूर्व कुंड मेले में एक शॉप में एक दुकान के लगा रहे हैं, तो कितना रिस्पांस आपको यहाँ से मिलता है, किस तरह का जागरूकता यहाँ से फैलता है? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है, देखिए, ये सूरज कुंड एक ऐसा मंच है जहाँ पर दूर दूर से पब्लिक आती है, हर तरीके का, हर वर्ग का आदमी आता है, जिसमें हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। आज से 8 साल पहले हमने जब ये शुरुआत की थी तो हमने एक दुकान से, इसकी छोटे से स्टॉल से शुरुआत की थी, जो 8 साल में बढ़कर लगभग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा बड़ा ही स्टॉल हो चुका है और लगभग हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम यहाँ से 40 से 50 लाख की सेल करें। और क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं तो यही देना चाहूँगा कि जो भी हमारे कैदी भाई हैं उनको और जो भी पब्लिक है, अपने 2 मिनट के गुस्से को अगर हम काबू पा लें तो हम के बहुत हद तक अपने ये जो जेल का जो अपना हमारा जेल में आने का जो होता है उसको रोका जा सकता है। क्योंकि उस 2 मिनट के गुस्से में हम वो कर बैठते हैं जो कानूनन गलत होता है और जिसका खामियाजा सिर्फ वो खुद नहीं, पूरा उसका परिवार और समाज इसको भुगतता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिससे गलती हो गई वो अपने समाज में वापस घुले मिले और आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे कि कानून टूटे और जेल में आना पड़े। धन्यवाद।